तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना ख़राब रास्ता हो गया है और यहाँ से लोग जा रहे हैं बहुत ही मुश्किल। हेलो गाइस, तो स्वागत है गाइस आपका इस प्यारे से ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मेरा है बारिश पे, और यहाँ पे हमारे नाल गांव और यहाँ पे जो पनिहार है गांव का उसके साथ ही मैं आज बाढ़ आई है बहुत ही ख़तरनाक। और यहाँ की कितनी ख़तरनाक बाढ़ आई है और लोगों के खेत भी बर्बाद हो गए हैं इस बाढ़ से। और यहाँ पे खेतों के तो बुरे हाल हो गए हैं। और यहाँ पे नीचे एक तो घर था चाचू का, अभी उधर भी जाऊँगा, उधर भी उनके भी हाल चाल पूछूँगा। और सबसे आगे तो यहाँ पे देखो आप, बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे सरकार के थ्रू डंगा लगा था और ये भी निकल गया है, और ऊपर जो रोड थी वो भी नीचे आ गई है बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा भी रास्ता नहीं रहा, यहाँ पे लोगों के लिए रास्ता था, ये भी रास्ता मेन रास्ता था, वो भी रास्ता नहीं रहा है। और अभी जाते हैं हम वहाँ पे, नीचे एक घर था, इस नाली की साथ ही एक घर था साथ में, उस घर को देखने जाते हैं उधर उनके क्या हाल चाल है और उनके हाल चाल पूछते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मुश्किलों से लोग आ रहे हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल अभी अभी और भी आने वाला है, ऊपर से ये देखो पत्थर सारे ये नीचे आने वाले हैं, जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो ये नीचे आ जाएंगे। और गाइस ये देखो यहाँ पे बिल्कुल रोड भी नीचे आ गई है, और यहाँ पे थोड़ा भी रास्ता नहीं रहा है लोगों के लिए जाने के लिए, और यहाँ पे लोग फंस गए हैं, ऊपर देख सकते हैं आप। और रोडें तो बिल्कुल क्लोज हो गई हैं, और यहाँ पे तीसरा पुल भी, मेन जो पुल है वहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर से पत्थर गिर गए हैं और रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, वो भी दिखाएंगे आपको अभी हम। और अभी हम पहुँच चुके हैं इधर चाचू के घर, और इधर तो बहुत ही बुरी हालत है। और यहाँ पे छोटा सा घर था वो भी नीचे चला गया है, और यहाँ पे बाढ़ के कारण बहुत ही नुकसान हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, घर का तो बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे डंगर थे तो इनको बचा लिया है चाचू ने। और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी नाली बन चुकी है। और मोक्ष भाई यहाँ पे कितने बजे ये जो बाढ़ फटी थी, कितने बजे बाढ़ आई है ये? डेढ़ बजे रात के। और यहाँ पे रात के डेढ़ बजे सुनाई दे रहा है कि जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि तीसरा पुल की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, और यहाँ देखिए बिल्कुल थोड़ी भी रोड नहीं बची है देखने लायक, और जो नीचे वाली रोड है पुरानी रोड बिल्कुल सही है, और नई रोड तो बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अभी भी इधर घर के लिए बहुत ही खतरा है, ऊपर से जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो पत्थर बिल्कुल नीचे आने की तैयारी पे हैं जैसे ही बारिश आती है।